आज मैं करने वाली हूँ गणेश जी की ये वाली ड्राइंग। आज की कलरिंग के लिए मैं ऑयल पेस्टल का यूज़ करने वाली हूँ। ये वाली ड्राइंग दो पार्ट में आएगी, आज के पार्ट में सिर्फ फेस कलरिंग होगी। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें पूरे गणेश जी और बैकग्राउंड होगा। कलरिंग की शुरुआत मैं हमेशा आईज से करती हूँ। मैं अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ कि जो भी फेशियल फीचर्स हैं जैसे आईज, नोज, माउथ, उनको डिफाइन कर लो ताकि जब आप ऑयल पेस्टल से कलर करो तो ये फीचर्स जो हैं आपको विजिबल रहे। तो फोटो को ऑब्जर्व करते हुए मैंने कलरिंग स्टार्ट की है। जहाँ पे ब्लू कलर है वहाँ पे ब्लू कलर करके, जहाँ पे लाइट एरिया है वहाँ पे मैं वाइट ही छोड़ दूंगी और बाद में वाइट कलर से ही ब्लेंड करूंगी। गणेश जी के ट्रंक में पिंक कलर यूज़ हुआ है तो मैं यहाँ लाइट पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ मुझे ज़्यादा डार्क एरिया दिख रहा है या जहाँ पे गहराई दिखानी है वहाँ मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलना। उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोज लेकर आती हूँ हर वेंसडे एंड सैटरडे। इनके ईयर्स को कलर करने के लिए मैंने लेवेंडर कलर यूज़ किया है और शेडिंग के लिए मैंने रेड कलर, क्रिम्सन रेड कलर यूज़ किया है। लेवेंडर कलर नहीं है तो लाइट पिंक कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। मुकुट के लिए मैं गोल्ड कलर यूज कर रही हूँ और फिर डार्क ब्राउन कलर से, पेंसिल कलर से मैं यहाँ पे डिजाइनिंग कर रही हूँ। मुकुट के इस हिस्से को कलर करने के लिए मैंने कैडमियम येलो कलर यूज किया है क्योंकि गणेश जी का ये वाला एरिया बहुत डार्क दिख रहा है, इसलिए मैंने ग्रे कलर से करके फिर से डार्क ब्लू कलर यूज़ किया ताकि वो और ज़्यादा डार्क दिखे और उनके फेशियल फीचर्स जो हैं वो डिफाइन हो। इस ड्राइंग का सेकेंड पार्ट सैटरडे को आएगा तो देखना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।